गर्मी में अमरोहा जिले के वासियों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ा। जिले के डिडौली इलाके में 33 केवी विद्युत लाइन में अचानक खराबी आ गई, जिसके चलते लगभग 20 गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और ग्रामीणों को पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं मिल पाई। हालांकि लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन 24 घंटे के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। बिजली विभाग की इसी बात से नाराज होकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द विद्युत लाइन को दुरुस्त कराकर बिजली आपूर्ति सुचारू कराने की मांग की। इसके साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। बिजली की समस्या के चलते करीब 20 गांवों की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि जोया ब्लॉक के कस्बा जोया के गांव बिजली घर और सिमोरा बिजली घर पर 33 केवीए की लाइन में खराबी आने पर मुंडाई मां डिंडोली शेखुपुरा जगह नगला वाजिदपुर रसूलपुर जोगीपुर समेत लगभग 20 गांवों की बिजली गुल हो गई, जिससे ग्रामीणों को इस भीषण गर्मी में पूरी रात काटनी पड़ी। वहीं जब इसकी जानकारी ग्रामीणों ने एसडीओ को फोन पर देने की कोशिश की तो किसी ने भी फोन नहीं उठाया, जिसके चलते क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाई। वहीं जब कुछ ग्रामीणों ने जेई को मोबाइल पर सूचित किया तो जेई ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। जब उसमें लिखा नहीं है कि कब भगी है, तो इसका मतलब अब तक चल रही है। हमारे गाँव में क्या पूरे डिडोली फीटर की गारंटी है, हमें आधे घंटा बिजली नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने आपके स्टाफ ने उसमें लिख रखा है कि साढ़े बारह बजे के बाद आएगा 2 बजे बिजली, डेढ़ बजे से 3:30 बजे 2 मिनट बिजली आई है गाँव में। तो ये कहाँ जा रही है बिजली, पहले तो आप इस चीज़ को बताओ। उसके बाद में और चीज़ हमारे पास 8:30 बजे तक सर अब तक 2 मिनट के लिए बिजली आई, पहले तो ये इस चीज़ का समाधान करो। वहीं अब ग्रामीणों की मांग है कि बिजली आपूर्ति को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, नहीं तो सभी ग्रामीण आंदोलन तेज करेंगे, साथ ही शिकायत लेकर उच्च अधिकारियों के पास भी जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान बिजली विभाग आखिर तब करता है। न्यूज डेस्क अमरोहा टीवी।